हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी जिसका नाम है एप्पल सिनेमन मिल्क शेक। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उस लिहाज से ये ड्रिंक परफेक्ट है आपकी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो फिर देर किस बात की, देखते हैं इस हेल्दी टेस्टी ड्रिंक को हमें कैसे बनाना है। मेरे चैनल शेफ डीवा को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक दीजिए, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, एप्पल सिनेमन मिल्कशेक बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, तो इधर सबसे पहले हमने ले लिया है 1 फुल एप्पल, जिसको हमने पील करके इस तरीके से डाइसेस में कट कर लिया है। साथ में हमने लिए हैं 4 आलमंड्स, और उसके अलावा हमने लिए हैं 2 खजूर। तो खजूर, क्योंकि हम यहाँ पे वेट लॉस कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने डिसीट कर लिया है। आप यहाँ पे शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये प्योरली हेल्दी ड्रिंक है इसलिए हमने यहाँ पे खजूर को इंक्लूड किया है, बट ये ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे हनी या शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, हमने यहाँ पे लिया है सिनेमन पाउडर, ये हमने 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर लिया है। सिनेमन पाउडर यहाँ पे आप ज़रूर से इंक्लूड करिएगा, वेट लॉस करने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है सिनेमन पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक सिंपल सिनेमन स्टिक ले सकते हैं, उसे आप पाउडर बना लें मिक्सी में। साथ में लिया है हमने यहाँ पे 1 कप स्किम मिल्क, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्दी ड्रिंक बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे स्किम मिल्क यूज़ किया है, बट ये ऑप्शनल है, आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम मिल्क शेक को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने ले लिया है एक ब्लेंडर। तो जिस ब्लेंडर में आप ड्रिंक्स, जूसेस या मिल्क शेक बनाते हैं, वो वाला ब्लेंडर हमें लेना है। और इस ब्लेंडर में हम डाल देंगे ये मिल्क, जो कि 1 कप स्किम मिल्क है। और अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे जो एप्पल हमने लिया था वो डालेंगे पूरा एप्पल इसमें। सिनेमन पाउडर डाल देंगे, खजूर डालेंगे, और साथ में डालेंगे हम आलमंड्स। आलमंड्स हम ऐसे ही डाल रहे हैं, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, हम नहीं डाल रहे हैं। अब बस इन सबको हमें इकट्ठा ब्लेंड करना है। तो देखिए, इसको हमने ब्लेंड कर लिया है और इधर हमारा एप्पल सिनेमन मिल्क शेक बन के रेडी है। ये देखिए, इस तरीके की इसकी थिकनेस होगी कुछ ऐसी। तो चलें अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा टेस्टी एप्पल सिनेमन मिल्क शेक बन के रेडी है। थी ना ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी, और साथ ही साथ हेल्दी भी है। इसको बस हम ऊपर से सिनेमन पाउडर से स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरीके से। तो अब जब भी आपको कुछ हेल्दी ड्रिंक बनाने का दिल चाहे, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है एप्पल सिनेमन मिल्क शेक का। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाइएगा। थैंक यू।